शतक आज तक। केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराने से पहले कपिल मिश्रा की बड़ी चुनौती, चुनावी मैदान उतरें दिल्ली के मुख्यमंत्री। कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। कपिल ने कहा, मेरे पास सारे सबूत मीडिया के सामने नहीं CBI के सामने रखूंगा। जो एविडेंस CBI में जाएंगे, जिन एविडेंस को मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, वो एविडेंस में नहीं रखूंगा। कपिल मिश्रा का आरोप, उनकी विधानसभा सदस्यता को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। कपिल ने FIR दर्ज करने से पहले मीडिया को पढ़कर सुनाई चिट्ठी, विजय के लिए केजरीवाल से मांगा आशीर्वाद। केजरीवाल पर ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे कपिल आज अपने आरोपों को पहनाएंगे कानूनी जामा, CBI दफ्तर जाकर दर्ज कराएंगे 3 FIR। कपिल मिश्रा के अनुसार पहली FIR केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच 2 करोड़ के लेन देन की, दूसरी पार्टी नेताओं के विदेशी दौरे से जुड़ी हुई। कपिल मिश्रा के ताजा आरोप के अनुसार केजरीवाल के एक साढ़ू के लिए सत्येंद्र जैन ने कराई थी 50 करोड़ रुपए की लैंडिंग। कपिल के अनुसार केजरीवाल के साढ़ू के लिए जैन ने कुल 7 एकड़ जमीन की डील कराई, 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिल भी सही बनाए। कपिल मिश्रा को आपने किया सस्पेंड, PSC की बैठक में लिया फैसला, कपिल बोले दम है तो पार्टी से निकाल कर दिखाएं। कपिल मिश्रा के बाद एक और मंत्री ने केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाया, आसिम अहमद खान का आरोप, मुझसे 5 करोड़ रुपए केजरीवाल ने मांगे थे। पूर्व मंत्री खान का दावा, सरकार बनने के 15 दिन बाद शुरू हुआ लेन देन, मेरे पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के गंभीर आरोप पर अब तक नहीं दिया कोई बयान, ट्वीट में महज इतना लिखा, सत्य की होगी जीत। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, जमकर हंगामे के आसार, कपिल और आसिम के आरोप पर बागियों को मिल सकता है बीजेपी कांग्रेस का साथ। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप, 4 कंपनियों से 50-50 लाख रुपए लेने का किया दावा। स्वामी बोले, केजरीवाल को 4 कंपनियों से 2 करोड़ रुपए लेने के मामले में पूर्व उपराज्यपाल को लिखा था पत्र, नजीब जंग और केजरीवाल की मिली भगत से नहीं हुई थी कार्रवाई। जंग जब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको मैंने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया था और वो चुप बैठे थे, और बाद में मुझे पता लगा कि वो केजरीवाल से मिले हुए हैं। स्वामी ने अनिल बैजल को पत्र लिखकर पेंडिंग फाइल की मांगी मंजूरी, बोले CBI से करूंगा FIR दर्ज करने की मांग। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के जिस साड़ू पर 50 करोड़ की रैंड डील का आरोप लगाया, उनका कल ही हुआ निधन। संजय सिंह बोले, कपिल ने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। शाजिया इल्मी का केजरीवाल और करीबियों पर करारा वार, बोली साड़ू की मौत को ना बनाया जाए ढाल। शाजिया ने कहा, केजरीवाल के साड़ू और PWD विभाग पर लगे बेहद गंभीर आरोप, अरविंद दे जवाब। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, आप में न तो आंतरिक लोकतंत्र और न ही आंतरिक लोकपाल, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वालों को दिखाई जा रही है पार्टी से बाहर की राह। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्लॉट का आवंटन मामले में CBI ने पूछताछ की, किया गया तलब। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने किया समन। अखिलेश यादव ने झांसी में धर्म से अलग विवाह करने वाले बीजेपी नेताओं पर ली चुटकी, हिंदू युवा वाहिनियों को उनके खिलाफ दी नसीहत। अखिलेश ने कहा, धर्म से अलग विवाह करने वाले बीजेपी नेता बुलंदशहर की तरह हिंदू युवा वाहिनी जाए और उन पर हमला करे। उन्हें देखना चाहिए कि उनके पार्टी के नेता ने तो नहीं किसी दूसरे धर्म में शादी कर ली है, अगर किसी नेता ने शादी कर ली हो दूसरे धर्म में, उन्हें जाकर के उन पर हमला करना चाहिए, जो हमला उन्होंने बुलंदशहर में किया है। मिर्जापुर में पेट्रोल पंप मशीन में चिप मिलने का दावा, जांच के दौरान जमकर हंगामा, पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस अधिकारी समेत जांच दल को गालियां दी। उसी तैयार
इलाहाबाद में एक बेटी ने मुख्यमंत्री योगी से की गुहार। 24 अप्रैल को माता पिता समेत परिवार के 4 सदस्यों की कर दी गई थी निर्मम हत्या। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने निर्भया कांड की ज्यादा दरिंदगी दिखाई थी। हत्या से पहले मां और 2 बहनों से किया गया था गैंगरेप। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। यही बोला था उन्होंने, योगी जी आगे गुंडे भाग गुंडे तौर पैदा हो रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं। हरदोई का दूषित पानी पीने से एक की मौत में खौफ। प्रदूषित पानी पीने से 5 की मौत के मामले पर हरदोई के एडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। हरदोई में युवक ने शादी होने पर प्रेमिका की गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली। प्रेमिका की स्थिति गंभीर। वाराणसी में 10वीं की छात्रा ने कोचिंग संचालक पर एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। छात्रा के अनुसार कोचिंग संचालक एमएमएस बनाकर उससे किया करता था ब्लैकमेल और दूसरी छात्राओं को भी पास लाने की बात करता था। पर पुलिस अफीम की बड़ी खेप पकड़ी। पंजाब की गाड़ी की छत में छिपाकर रखी गई थी अफीम। नालावाड़ में नौकला किले के स्मृति वन में आग, 1 घंटे बाद काबू। अकोला में एक दुकान से ड्राई फ्रूट का माल जलकर हुआ खाक, लाखों का नुकसान। सिलीगुड़ी में राम सीता की ऐतिहासिक मूर्ति के साथ एक गिरफ्तार, नेपाल ले जाकर बेचने की तैयारी थी। यमुनानगर में 4 छात्र नदी में डूबे, 2 को बचाया गया, 2 की जान गई। कन्नौज में मामूली विवाद में तार तार हुआ खून का रिश्ता, सगे भाई ने भाई को छत से फेंका, मौत। भोपाल में रोडरेज में युवक की हत्या, गाड़ी में स्क्रैच लगने पर एसयूवी में सवार शख्स ने कुचलकर मार डाला। दरभंगा के बहेड़ी में विवादित जमीन पर शव दफनाने को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस की फायरिंग में 1 की मौत, 4 घायल। शामली में ससुर पर बहू से रेप की कोशिश का आरोप, पति ने मारपीट कर घर से निकाला, पीड़ित ने मांगा तलाक। गोपालगंज में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल, मुस्लिम परिवार ने मंदिर के लिए मुफ्त में दी जमीन। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के दावों की खुली पोल, रायसेन में सिर पर मैला ढोने को मजबूर है दलित महिला। मेरठ में स्कॉलरशिप को लेकर छात्रों का कल्याण विभाग के दफ्तर पर हंगामा, बीजेपी सांसद विधायक का किया घेराव। रामपुर में 2 गुटों में विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई। अलीगढ़ में शोहदों से परेशान लड़की ने एसएसपी दफ्तर के सामने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। आरा में शादी के मंडप पर बहा खून, जयमाला के फौरन बाद अपराधियों ने दूल्हे को मार दी गोली, दूल्हे ने तोड़ा दम। कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ बिट्टा की अनोखी मुहिम, बोले पत्थरबाजों को सेना की जीप में चारों ओर बांधकर घुमाएं। त्रिपुरा के गौनगर में जमीन में दबे 127 ग्रेनेड बरामद, 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध के दौरान का होने का शक। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कठुआ में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया लंबा जाम। कोयम्बटूर में कलाकारों को दिखा किसानों का दर्द, सूखा पीड़ितों पर बनाया इंस्टॉलेशन, राज्य और केंद्र सरकार से मदद की अपील। गुजरात के नवसारी में सरकार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को कृषि विश्वविद्यालय ने हॉस्टल से निकाला, सड़क पर सोने को मजबूर। करीना कपूर सैफ के बेटे तैमूर की तस्वीर वायरल, पहले तैमूर के नाम पर हुआ था विवाद। अनुराग बसु ने जग्गा जासूस की टीम के संग अपना जन्मदिन मनाया, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट, बच्चे भी थे साथ। अक्षय कुमार ने मुंबई में नेवी ऑफिसर्स के साथ वॉलीबॉल खेली। पॉपस्टार जस्टिन बीबर के मुंबई में हो रहे शो के दौरान सलमान के बॉडीगार्ड शेरा संभालेंगे उनकी सुरक्षा का जिम्मा, शेरा ने स्टेडियम का जायजा लिया। आईपीएल में हैदराबाद ने अपने ही घर में मुंबई को हराया, 7 विकेट से जीत।
मुंबई ने 7 विकेट पर 134 रन बनाए। हैदराबाद ने 10 गेंद रहते जीत लिया मैच। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे शिखर धवन, 6 गेंद में 62 रन बनाकर भाग गए। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 67 रन, हैदराबाद की तरफ से सिद्धार्थ 3 विकेट लिए। आईपीएल में आज पंजाब का कोलकाता से मुकाबला, 8 बजे होगा मैच। बोलीविया में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, ब्राजील मूल के 19 साल के लड़के ने देखते ही देखते इमारत से लगा दी छलांग। ब्राजीली युवक की वंशा भाप कर उसे रोक रहे थे सुरक्षा गार्ड, लेकिन वो इमारत से कूद गया। फ्रांसवा बतौर राष्ट्रपति अपने अंतिम विदेशी दौरे पर जर्मनी पहुंचे, एंजेला मर्केल से करेंगे मुलाकात। मैक्रॉन जल्द राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। केन्या के मोम्बासा में भारी बारिश से ढह गई अस्पताल की दीवार, 4 बच्चों समेत 6 की मौत। कनाडा के कई इलाकों में जबरदस्त सैलाब, लोगों के घरों में पानी, राहत और बचाव का काम जोरों पर।